बढ़ते हैं आगे इस नशरियात में और अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि शेख तारिक अहमद शाज़ी साहब मारूफ रूहानी शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको। आज खुसूसी नशिस्त होगी हमारे सेगमेंट वाइया का नस्तईन की। हम आगाज़ करेंगे कॉलर के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं और क्या पूछना चाहेंगी शेख साहब से? मैं आयशा कराची से बात कर रही हूँ। आयशा पूछिए। मैं शेख साहब से ये पूछना चाहूंगी कि मेरी छोटी बहन है, उनके पाँव में एड़ी पे जख्म हो गया है, तो उसके लिए कोई नुस्खा या तो कोई रूहानी इलाज वजीफा? मैं दोनों पूछकर बता देती हूँ। आयशा, शेख साहब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके लिए है कि सूरह लहब 21 मरतबा पढ़ के दम भी करें। बिल्कुल ठीक है। और थोड़े से तेल में एक बूटी आती है कमीले के नाम से, ठीक है, वो लेके जला लें और उसको उसमें लगाएं, एड़ी पर लगाएं जी, जख्म पे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जख्म को भी भरता है और नॉर्मल आम जख्मों को भी और ख़ास तौर पे शुगर के जख्मों को। अच्छा, ठीक, भरता है। क्योंकि अगर डायबिटिक पेशेंट को ये जख्म हो जाए तो फिर तो वो बिल्कुल नहीं सही होता, हाँ, तो परेशानी हो जाती है। लेकिन ये अगर तेल लगाया जाए तो वो भर जाता है। ठीक है, एक और सवाल है मेरे पास जो है, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन के गले में दर्द का मसला है, कम मिर्ची वाले खाने से भी उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, प्लीज़ इसका कोई वजीफा रूहानी इलाज बता दें। सूरह अलम नशरा, सूरह अलम नशरा 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिए, आगे पीछे दुरूद शरीफ और एक आधी चमची गोंद का तीरा, अच्छा, रात को पानी में भिगो दें गोंद का तीरा जी, ठीक है, सुबह उसका शरबत बनाएं और पी लें नहर मुंह, अच्छा, तो ये इंशाल्लाह तकलीफ दूर हो जाएगी। ठीक है, एक और सवाल है, वो कहती हैं कि उनकी वालिदा को 10 साल से एलर्जी है, पूरे जिस्म पर रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, इसके लिए कोई रूहानी इलाज और वजीफा बता दीजिए। इसके लिए रूहानी इलाज ये है कि आयतुल कुर्सी और चारों कुल, ठीक है, 7-7 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करें और पानी को छुरी से काटें जी, ये क्रॉस का निशान लगाएं, ठीक है, और इसको पी लें। और एलर्जी के लिए इसके लिए ये करें कि एक अतरीफल आती है शात्रा के नाम से, शात्रा जी, अतरीफल शात्रा, ये ले लें, आधी आधी चमची सुबह शाम लिया करें इसको, ठीक है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जज़ाकअल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मेरे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? इसाक बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी इसाक भाई कहिए। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, अच्छा, मतलब थोड़ी सी बात एकदम गुस्सा चढ़ जाता है और इतना गुस्सा आ जाता है कि समटाइम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम पूछ लेते हैं इसके लिए। तो पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कल ही गालिबन शेख साहब। इसके लिए ये कि सूरह यासीन की पहली 5 आयतें, ठीक है, 41 बार पढ़ के पानी पे दम करके पिया करेंगे, ठीक है, और रोजाना रात को 3-4 दाने आलू बुखारे के पानी में भिगोएं, सुबह का शरबत बना के पिया करें। अच्छा, ठंडा होता है जी, दिमाग भी ठंडा रहेगा, ठीक है जी। हमारे साथ एक और कॉलर भी है, उससे पहले मैं सवाल भी शामिल कर लेती हूँ। ये है कि अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, से ये सवाल पूछना था कि मेरे वालिद को कैंसर है स्टमक का, गैस्ट्रिक कैंसर, कीमोथेरेपी भी हो रही है, वो डायबिटिक पेशेंट भी हैं, तो काइंडली शेख साहब से इसका कोई वजीफा पूछ लीजिए और रूहानी इलाज भी अगर बताएं। हुम्मा ला यंसरून, दोबारा बताइएगा। हुम्मा ला यंसरून, ठीक है, ये लफ्ज है, इसको पढ़ा करें, सही, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, अच्छा, तो इससे कैंसर के लिए बेहतरीन लफ्ज है ये, अगर अच्छा, जी हाँ, और इसका कोई रूहानी इलाज भी है? इसके लिए रूहानी इलाज ये है कि 100 ग्राम जैतून का तेल ले लें, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है, और 10 ग्राम हल्दी, हल्दी और ऑलिव ऑयल जी, इसको थोड़ा सा हल्दी को कुछ लें, इस ऑयली ऑयल में डाल के और इसको जला लें, अच्छा, और इस पे 40 मरतबा सूरह रहमान और 3 मरतबा सूरह मरियम पढ़ के दम कर लें। अच्छा, 40 मरतबा सूरह रहमान और 3 मरतबा सूरह मरियम जी पढ़ के दम कर लें, और इसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम ये खाने में इस्तेमाल करें। अच्छा, यानी जो भी खाना खा रहे हैं उसमें ये डाल दें, बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ठीक है, ज़बरदस्त। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं और क्या पूछना चाहेंगी शेख साहब से? मैं अक्सा बात कर रही हूँ अलीपुर से। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड के ना पेट के बाएं साइड पे ना 3 गिल्टियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, ठीक है,
तो डॉक्टर ना उसका ऑपरेशन भी नहीं कर रहे, वो कह रहे कि ना बहुत अंदर करके हैं, अभी इसे बाहर निकलने दे तो फिर हम इसे छेड़ेंगे वरना ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने प्रोग्राम देखा था टीवी पे ना, तो मैंने कहा था चलो शेख साहब से हम पूछ लेते हैं, इसके लिए वजीफा भी और रूहानी इलाज भी कोई पूछ लेते हैं शेख साहब से, आप जवाब सुन लीजिएगा। शेख साहब, इसके लिए ये है कि सूरह असर की पहली आयत है, बिल्कुल ठीक है, वल असर इंसान लफी खसर, बस इतनी पढ़नी है उन्होंने, और इसकी तकरार करती जाएं और उन गुठलियों के इर्द गिर्द उंगली फेरती जाएं। अच्छा जी, यानी इसकी तलावत करते हुए 70 मरतबा पढ़ के और दम कर दें। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा अमल है इस चीज के लिए, गुठलियाँ खुल जाती हैं इससे। और दूसरी ये कि कुस्ते शीरी एक बूटी आती है, जी ये ले लें, और एक बूटी आती है धमासा, धमासा जी, दोनों हम वजन लेके पीस के रख लें, कुस्ते शीरी और धमासा हम वजन लेना है, थोड़े देर शहद में मिलाकर या वैसे ही इनको इस्तेमाल कराएं दिन में 3 दफा, अच्छा तकरीबन 1-1 ग्राम, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये गुठलियाँ खुल जाएंगी, गुठलियाँ खुल जाएंगी, जबरदस्त जी। हमारे साथ कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रजिया बाजी कहिए, क्या पूछना चाहेंगी शेख साहब से? ये मेरे शोहर के ना घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, ठीक है, बहुत जगह इलाज भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन आराम नहीं हो रहा इन्हें, ठीक है। इनकी क्या उम्र है? इनकी 30-35 है, 30-35 साल है। शेख साहब जी, एक तो ये है कि सूरह फील 21 मरतबा पढ़ के, ठीक है, और ये दम करें इन पे, और हालू ये मेथी दाना, हालोन, कलौंजी और अजवाइन, अच्छा ये चारों चीजें हम वजन लेके पीस लें और आधी आधी चमची सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये जिनको भी घुटनों का दर्द है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन अच्छा। नहीं है इसके लिए, ठीक है, ये भी सामने आ गया। एक और कॉलर भी शामिल करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि खातून का जो मैसेज आया, कहती है कि मेरी 13 साल की बेटी है जो नॉर्मल पैदा हुई थी बिल्कुल, पर जब वो 7 साल की हुई तो उसे अचानक से बर्स के दाग पेट पर हो गए, हमने डॉक्टर्स और हकीम साहब को भी दिखाया, सारी दवाएं भी इस्तेमाल की हैं, निशान हल्के होना शुरू हुए पर ख़त्म नहीं हुए और अब मजीद जगहों पर निकल रहे हैं, तो इसका क्या किया जाए? इसके लिए ये है कि एक माजून आती है उशबा, उशबा जी, ठीक है, ये आधी आधी चमची, ये तैयार मिलती है? जी बिल्कुल तैयार मिलती है, किसी भी कंपनी की ले लेंगे, ठीक है, तो आधी आधी चमची इसको इस्तेमाल कराएं, सही, और उन दागों पर रोजाना जो है तासीन मीम या पहले ही बता जी 109 मरतबा पढ़ के दम करा करें, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह खत्म, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। एक और सवाल जो मेरे पास आया वो ये कि मैंने अपने एक दोस्त को 5 लाख रुपए कर्ज दिया था, वापसी का तकाजा किया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे कोई कर्ज नहीं लिया, अब इस बात का कोई गवाह भी नहीं है, कोई ऐसा वजीफा है कि वो इस फरेब से बाज आ जाए, मेरी रकम वापस कर दे? इसके लिए ये है कि सूरह कौसर रोजाना 141 मरतबा आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ें इसके, और ये रोजाना इसकी तिलावत करें 141 बार, ठीक है, और ये नियत करके इस चीज़ को पढ़ें इससे, अच्छा कि ये तो मसला हल हो जाए जी, इंशाल्लाह ताला वो उनके पैसे, बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल ये है कि मैं अक्सर जॉब तब्दील करता रहता हूँ, नहीं चाहता कि ऐसा करूँ लेकिन करता हूँ क्योंकि मेरा उस काम में दिल नहीं लग रहा होता, इस आदत की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है, अगर कोई वजीफ़ा कोई दुआ ऐसी बता दें कि मैं एक मुस्तकिल काम कर सकूँ किसी जगह। इसके लिए सूरह आल इमरान आयत नंबर 8, सूरह आल इमरान की आयत नंबर आठ ये 140 बार पढ़ के पानी पे दम करके रोजाना रात को पिया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है। कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मेरी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी राबिया कहिए जी। वो ना मेरी मदर को 1 साल पहले फीमर फ्रैक्चर हुआ था, गिर गई थी अचानक से, ठीक है, तो अब साल हो गया लेकिन अभी भी वो वॉकर से चलती हैं और चलते वक्त उनके घुटने में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि वैसे तो हीलिंग में जो है वो 6 मंथ लगते हैं लेकिन जो भी हीलिंग में डिले हो रहा है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छा, तो बस मैंने यही पूछना था कि कोई वजीफा बता फिर ऐसे कोई दुआ बताते हैं जो आप पढ़ सकें, बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह ऐसे बच्चों को सलामत रखे जो अपने माँ बाप के लिए इतने फिक्रमंद होते हैं। शेख साहब, इसके लिए कोई वजीफा या फिर कोई रूहानी इलाज? इसकी जी वजीफा ये है कि सूरह यासीन आयत नंबर 78-83, ठीक है, सूरह यासीन की आयत नंबर 78-83 या आखिरी हिस्सा है इसका, बिल्कुल पानी पे दम करके पिलाएं उनको वालदा को 40 बार पढ़ के, सही, और अभी जो नुस्खा बताया था ना मेथी दाना, जी जी जी, हालोन, कलौंजी
और अजवाइन दे। अच्छा, घुटनों के दर्द के लिए जी, ये पीस के रख लें, ये शुगर के लिए भी फायदेमंद है, घुटनों के दर्द के लिए फायदेमंद है, और अगर कोई हड्डी में इंजरी वगैरह पैदा हो जाए तो उसके लिए भी है फायदेमंद। सुभान अल्लाह, और जज़ाकअल्लाह शेख साहब यहाँ पर होते हैं, जितने आप लोगों के मसाइल हैं उसके लिए वज़ाइफ और रूहानी इलाज भी फरमाते हैं।